अब आप ये बताइए हाँ कि रामन और राम ने युद्ध हुआ था हाँ तो रामन के कितने बाण लौटा था, राम के कितने बाण लौटा था, और कितने बाण में राम बध हुए थे? रामन रामन 21 बाण में बध हुए थे। गलत। 20 बाण आपस हो गया था और 21वां में जो था वही भविष्य बताया। गलत गलत। चलिए आप बताइए, हम तो नहीं पाए। गलत है। हाँ और सोचिए। वही तो है जब भविष्य 20 बाण 21 बाण था उनको पास, 20वां पास उनको पास 121 बाण था। अच्छा। और उनको तोड़ीर में सिर्फ 4 बाण था। हाँ और 4 बाण कभी खत्म नहीं होता था ना लक्ष्मण के तुड़ीर में खत्म होता था और ना राम के तुड़ीर में। अब बताइए कि उनको पास जब रामन के पास छोड़े हैं राम जी बाण, तो कितने बाण राम जी को वापस आया और कितने बाण रामन को वापस गया, कितने बाण में रामन बध हुआ, और दोनों के तुड़ीर में 4-4 बाण है। वही हुआ 121 में। 121 में नहीं हुआ? नहीं नहीं हुआ। तब बताइए 13वां बाण में रामन को बध हुआ। 13वां बाण हाँ कैसे हुआ सो बताइए। कैसे हुआ जानता देखेंगे जानता। जैसे पहला बाण चलाए हैं तो रामन ऊपर उड़ गया। हाँ रामन ऊपर उड़ गया अपना दिव्य रथ से। हाँ तो राम जी भी ऊपर उड़ गए। दूसरा बाण चलाए तो रामन को जो रथ था डाउन होकर के वो राम जी को बाण ऊपर चल गया। जब तीसरा बाण चलाए तो दोनों का बाण जब टकराया तो बादल छड़ा गया, जैसे बिजली अभी दोनों को नष्ट हो गया। हाँ बिजली कैसे कड़कता है, दोनों नष्ट हो गया, नष्ट हो गया। तीसरा बाण चलाए हाँ फिर भी दोनों का टकरा गया। अच्छा। चौथा भी चलाए हाँ तो धरती से लेकर अमर तक कांप गया। कांप गया। अब क्या होगा, अब क्या होगा भाई? रावण और राम जी को स्वयं भगवान का युद्ध हो रहा है। प्रभु आप ही को नाम ले रहे हैं। तो चौथा जब चौथा बाण ने बोले जब चौथा बाण चलाए तो भगवान शिव का नजर किया। एक या प्रभु लीला रच रहे हैं भाई। इनको एक बाण के जब रावण भार नहीं सह सकता है तो ये लीला क्यों रच रहे हैं? पांचवा बाण चलाए इंद्रिय भगवान खड़ा हो गए। ये क्या बात है भाई, जैसे पूरा सृष्टि में कोई एक बाण के भार नहीं सक सकते हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, कौन सा लीला रच रहे हैं? लेकिन राम जी इतना जल्दी मारने के उनको नहीं थे। वो तो इतना भी सोच रहे थे कि कम से कम इतनों पर ही क्षमा मांग माफी मांग माफी मांग दे। जब छठा बाण चलाए स्वयं लक्ष्मण अवतार शेषनाग को फन देखिएगा खड़ा हुआ था। हाँ। उस समय लक्ष्मण खड़ा है लेकिन उनको मंगाट पर थोड़ा सा फन खड़ा हो गया था, नाके पर घोसे उनका। अब वो लक्ष्मण भी फेराने फंस गए थे। ये बात क्या है भैया के बाल आज तक धरती पर या आकाश पाताल कोई रोकने वाला नहीं है, ये क्या बात कर रहे हैं? वैसी करते अधिक बाण चलाएंगे। 10वां बाण चला दिए। 11वां बाण जब चलाना, 10वां नहीं सॉरी, जैसे 8वां बाण चलाए तो उनको पहला शीश काटे तो रावण का दूसरा शीश जुट गया, पहला शीश हंसते हुए उन्हें चल गया। तो मतलब कि 8वां बाण में शीश एगो काटा, 9वां बाण में 2 गो काटा, 10वां बाण में 3 गो काटा और 11वां बाण में 4 गो काटा। जैसे ही मतलब कि 12वां बाण चलाने लगे तो भविष्य जी ऊपर पहुंच गए। फिर भी उनको बोलने से पहले चला दिया तो पांचवा सिर कट गया ना। हाँ तो
दसवा ग्यारहवा बान तो वहाँ ब्रह्मा बान जब तैयारी किए बारह गो बान तो भगवान से भविष्ण जी बोले कि प्रभु ये क्या लीला रच रहे हैं, इनको नाभि में तो अमृत है और जितने ही आप बाँध चलाइएगा अमृत के उपवन से इसको शीश एक पर एक प्रकट होते जाएगा। जब आप अग्नि बाण को प्रयोग कीजिए वही मतलब ब्रह्मा बाण में अग्नि प्रयोग किए और उनको नाभि पर छोड़ और तेरहवा बाण में ये जो रथ पर माथुरी बैठे थे तब बोले प्रभु अब इसका अंत समय आ गया पापु आ गया हाँ, ब्रह्मास्त्र आप इस पे इस्तेमाल कीजिए वही ब्रह्मास्त्र से उसको संहार किया। जय हिंद जय भारत।